बच्चों कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। पटेल कोचिंग में तहे दिल से आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड है उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है किप द पॉइंट सी माइनस 1 2 जिसके कोऑर्डिनेट हैं डिवाइड्स इंटरनली द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A 2 5 एंड BXY इन द रेशियो 3:4। तो देखिए इसमें पॉइंट सी जो है वो लाइन सेगमेंट जो कि ए और बी है उसको कट कर रहा है किस रेशियो में, 3:4 में। तो इसको अगर हम लोग एक डायग्राम बना लें तो कैसा बनेगा देखिए। ये मान लीजिए ए और बी दो पॉइंट हैं और ए जो है 2 5 है और बी जो है यहाँ पे XY है। तो सी एक पॉइंट है यहाँ पे, सी किस में इसको कट कर रहा है, सी का कोऑर्डिनेट है 1 -1 और 2 और ये जो सेक्शन हो रहा है वो 3:4 में हो रहा है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग को बोलता है। तो इसको हम लोग X1 Y1 ले सकते हैं और इसको लिख सकते हैं XY, इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसमें लिख सकते हैं X2 Y2 ले लीजिए इसको। तो इसमें क्या हो जाएगा, X2 इक्वल टू, क्योंकि जो कट करता है ना उसी के हम लोग को कोऑर्डिनेट मिलते हैं, तो M1 X इसके लिए अगर मैं फार्मूला बैठाऊँ तो इक्वल टू M2 X1, सॉरी M2 Y1, नहीं M2 X हो जाएगा, ये X1 हो जाएगा सॉरी, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये X2 का वैल्यू आएगा किसका, जो कोऑर्डिनेट उसको काटता है उसका। उसी प्रकार से Y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 Y प्लस M2 Y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अब देखिए इस फार्मूला में M1 रेशियो M2 जो है वो है 3:4, ये क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है। अब चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो X2 का वैल्यू -1 है तो -1 इक्वल टू M1 क्या है 3 और X हम लोग को फाइंड आउट करना है, प्लस M2 जो है 4 है और Y1 क्या है 5 है, सॉरी X1 जो है 2 है तो यहाँ 4 × 2 कर लेंगे और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 मतलब 3 + 4। इसको जाके आगे सॉल्व कर लेंगे तो मिल जाएगा हम लोगों को 3 + 4 7, तो -1 × 7, ये जो 3 + 4 7 है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 3x + 4 2z8 आर 3x = -7 - 8 = -15, तो x = -15/3 = -5। एक्स का वैल्यू हम लोग को -5 मिल गया। उसी प्रकार से चलिए Y2 में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो M1 क्या है 3 है और यहाँ पे Y क्या है, देखिए Y Y ही है, प्लस M2 क्या है 4 है और Y1 क्या है 5 है डिवाइडेड बाई 3 + 4 और यहाँ पे जो Y2 है वो 2 है, तो 3 + 4 7 जो हो जाएगा इक्वल टू 7 हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2 के साथ, तो 2 × 7 = 3Y + 5 = 20। 20 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 3Y = 7 × 14 - 20 = -6, तो Y = -6/3 = -2। तो हम लोगों को देखिए यहाँ पे XY के कोऑर्डिनेट मिल गए हैं क्या, -5 और -2, यही इसका आंसर है। तो आशा करता हूँ बच्चों मेरे इस एक्सप्लेनेशन से वाला क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छे से और डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए हमेशा की तरह आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।